दोस्तों एडवाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप में डिलीट किया हुआ मैसेज को आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि यहां पे बहुत सारा मैसेज को डिलीट किया हुआ है और इस डिलीट मैसेज में क्या लिखा है इसे पढ़ना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को ना थोड़ा सा मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं ऐसा तरीका बताने वाला, ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों कोई भी बंदा आपको मैसेज करेगा वो डिलीट कर देता है ना, तो आप वो मैसेज को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। दोस्तों यदि जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रिक है तो फीड वीडियो को देखते रहे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये ट्रिक जानने से पहले आपको सबसे पहले एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को ना लाइक करना होगा। दोस्तों पिछले वीडियो का लाइक का टारगेट था 6000, आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया, दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं, दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। तो इस वीडियो पे जो है ना आप 7000 लाइक कर दीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पे जो है ना उतना ही प्यार देंगे जो पिछले वीडियो पे दिए थे। और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, पे बेल बटन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, कितना हेल्पफुल लगा, ताकि मैं इसी तरह से मैं वीडियो और भी बनाता रहूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद ये ट्रिक कौन सी है, जैसे कि डिलीट मैसेज कर देता ना तो कैसे रिकवर कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है WAMR। जी हाँ, तो इस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, क्योंकि इस तरह का एप्लीकेशन जो है ना काफी फेक मिल जाएगा, तो ये ओरिजिनल एप्लीकेशन ताकि आप व्हाट्सएप मैसेज को रिकवर कर सकते हैं। तो यहां पे आपको जो है ना एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा और यहां पे कुछ परमिशन दे दीजिए, व्हाट्सएप को यहां पे टिक लगा दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ना दो परमिशन दे दीजिए। चलिए यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ और नीचे जाने के बाद यहाँ पे अलाउ कर लीजिए, ठीक है, और इसको बैक कर लीजिए, फिर से यहाँ पे अलाउ कर लीजिए, ठीक है, हो गया ये काम, और यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिए या इस पर क्लिक कर लीजिए, बस ये आपका काम हो चुका। जैसे काम होने के बाद मैं आपको ये एप्लीकेशन क्लोज करना और व्हाट्सअप को यहाँ पे ओपन करना है। जैसे कि मैं अपने दूसरे मोबाइल से जो है ना मैं मैसेज करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मैसेज किया, ठीक है, हेलो हाय लिखता हूँ, ठीक है, मैंने मैसेज 3-4 मैसेज कर लिया और यहाँ पे क्या करता हूँ इस तीनों मैसेज को मैं डिलीट कर देता हूँ दूसरे फ़ोन से। तो ये मैसेज यहाँ से देख सकते हैं डिलीट हो चुका, ठीक है। अब डिलीट होने के बाद इस मैसेज को कैसे पढ़ना है, तो वो एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल जो किए उसको ओपन करना है और यहाँ पे देख सकते हैं हाय हेलो हाय ये तीनों मैसेज लिखा हुआ था और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैसेज डिलीट मैसेज को पढ़ ही नहीं सकते हैं, इसके अंदर और भी कर सकते हैं, जैसे कि बीच वाला ऑप्शन में जाएंगे ना तो यहाँ पर फोटो भी डिलीट कर देता है वो भी रिकवर कर सकते हैं, वॉइस डिलीट कर देता है ना तो वो भी आप रिकवर कर सकते हैं, जीफी फाइल भी रिकवर कर सकते हैं, वीडियो भी रिकवर कर सकते हैं, ऑडियो भी रिकवर कर सकते हैं, तो सभी मीडिया चीज आप रिकवर कर सकते हैं। यदि आपका स्टेटस कोई भी फ्रेंड लगाता है वो आपका काफी पसंद आता है तो यहां से सेव कर सकते हैं। जी हां, तो बहुत ही कमाल की गजब एप्लीकेशन है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, जो आप मैसेज के साथ साथ जो है ना सब कुछ आप रिकवर कर सकते हैं, वो जो भी डिलीट कर देता आपके फ्रेंड, तो बहुत ही गजब की एप्लीकेशन है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करता हूं वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल बटन दबा दीजिएगा, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।